हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार। पीएम मोदी की मनमानी की वजह से एनडीए लगातार बिखरता जा रहा है। टीडीपी, शिवसेना के बाद अकाली दल भी एनडीए का साथ छोड़ चुके हैं। इसकी वजह से एनडीए की ताकत लगातार कमजोर होती जा रही है। यही वजह है कि वो दूसरे दलों को अपने साथ जोड़ने की कवायद में जुटी है। जब दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने पीएम मोदी से मुलाकात की, उस दौरान पीएम मोदी उन्हें अपना बनाते नजर आए। क्या एनडीए के साथ जुड़ेगी वाईएसआर कांग्रेस? क्या रेड्डी मिलाएंगे पीएम मोदी से हाथ? आखिर क्या है जगनमोहन रेड्डी से पीएम मोदी के मुलाकात के मायने? ये सवाल उस बैठक के बाद उठ रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने पीएम मोदी से बात की। इस मीटिंग के बाद मायने निकाले जा रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में नायडू से दोस्ती तोड़ने वाली बीजेपी अब रेड्डी से रिश्ता जोड़ सकती है। हालांकि इस मुलाकात पर दोनों दलों ने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। उनके करीबियों के अनुसार ये मुलाकात अलग मुद्दे को लेकर हुई। एनडीए में शामिल होने का कोई मामला इसमें नहीं था, लेकिन उस पर विचार जरूर हुआ। वहीं जगनमोहन रेड्डी के एक करीबी ने कहा कि ये सही है कि हमें सरकार में शामिल होने का ऑफर मिला है, लेकिन हमें लोकल नेताओं को भी मनाना होगा। ज्यादातर का नजरिया सरकार से नहीं जुड़ने का है। वैसे हम सरकार को हर बड़े मुद्दे पर सपोर्ट करते हैं। केंद्र के साथ हमारे काफी अच्छे रिश्ते हैं। अब नेता तो मोदी सरकार के पास आने के संकेत दे रहे हैं, लेकिन अगर दोनों दल हाथ मिलाते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को पहुंचेगा, क्योंकि दक्षिण राज्य में अभी उसका कोई साथी नहीं है और चंद्रबाबू नायडू का साथ छोड़ने के बाद वो अकेली पड़ गई है। यही वजह है कि वो साथी की तलाश में जुटी है। हालांकि रेड्डी अब क्या फैसला लेते हैं ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि पहले भी वो एनडीए का ऑफर ठुकरा चुके हैं। दरअसल तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू ने जब 2018 में एनडीए का दामन छोड़ा, तब वाईएसआरपीसी को गठबंधन में लाने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन जगमोहन ने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। जगमोहन को डर है कि एनडीए से जुड़ने पर कहीं मुस्लिम और ईसाई उनके खिलाफ न हो जाएं। 10% अल्पसंख्यक जनसंख्या के वोट जगनमोहन के प्रमुख वोटरों में है। इसके अलावा उनको डर है कि एनडीए से जुड़ने पर कहीं उनकी तोल मोल की शक्ति भी कम ना कर दी जाए। उनका मानना है कि सरकार के बाहर रहकर मुद्दों के आधार पर समर्थन कर केंद्र की हार पर बात नहीं करते हुए मदद मिल सकती है। वाईएसआर दोस्ती के ऑफर को अपने नजरिए से देख रही है और बीजेपी अपना फायदा देख रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुलाकात से बनेगी दोनों दलों के बीच बात। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।